अगली बड़ी खबर मैं बताता हूं दर्शकों को, मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा इसका फैसला अगले 48 घंटे में हो सकता है। सीएम के नाम पर फैसले को लेकर पीएम मोदी ने 3 दिन में 3 बार बैठक की। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच भी कई राउंड की बैठक हो चुकी। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। रविवार यानी अगले 48 घंटे, अगले 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। मध्य प्रदेश की दिलचस्प तस्वीर ये है कि मौजूदा सीएम और सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं आए। दिल्ली में मंथन हो रहा है, सीएम पद के तमाम दावेदार बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो उस वक्त शिवराज 6 दिसंबर को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, 7 दिसंबर को श्योपुर पहुंचे, 8 दिसंबर यानी आज शिवराज राघोगढ़ में होंगे। सीएम पद के दूसरे दावेदार दिल्ली दरबार में दावा मजबूत कर रहे हैं, तो शिवराज ग्राउंड पर उतरकर मिशन 24 में 29 सीटें जीतने की तैयारी में जुट गए। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। शिवराज जानते हैं कि 23 का सेमीफाइनल जीतने के बाद पार्टी की नजर 24 के फाइनल पर है। सीएम वही बनेगा जो 24 के फाइनल में जीत दिलाने का दम रखता। 23 में शानदार जीत के साथ वो अपना दम दिखा चुके हैं, इसलिए बेफिक्र हैं। हालांकि दूसरे दावेदार कह रहे हैं कि 23 की जीत भी मोदी के मैजिक के भरोसे हुई। इस जीत के लिए श्रेय किसको जाएगा? मोदी जी को, मोदी जी के नेतृत्व को। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी है। शिवराज के मौन और दूसरे दावेदारों की मुखरता के बीच सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर सकती है। 9 और 10 दिसंबर तक तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक हो जाएगी, यानी रविवार तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी की शपथ के बाद कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में कलह की वजह से सीएम का फैसला अटक गया है। बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को तवज्जो नहीं दे रही। बीजेपी पार्टी के अंदर अंदरूनी लफड़ा हर सूबे में जहां जहां उनको जीत हासिल हुए हैं उसका भी काफी तेज होते जा रहे हैं, कुछ तीखा होते जा रहे हैं। बिना चक्कर कोई काम होते बीजेपी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, ऐसा थोड़ी कि सोनिया जी ने कर दिया, राजीव जी ने कर दिया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है। गुरुवार को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, यानी चंद घंटों की बात है। 48 घंटे में मध्य प्रदेश में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 48 घंटे में नाम सामने आ जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं 2024 के लिहाज से। नीरज हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, मनोज्ञा भोपाल से बनी हुई है। नीरज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर है, जितने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दिल्ली दौड़ चल रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इन सब से बेफिक्र होकर मध्य प्रदेश में जमीन पर काम कर रहे हैं। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश के समीकरणों को लेकर दिल्ली में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अवधेश, उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में फैसले आला कमान लेता है, और आला कमान ने अगर फैसले ले लिए हैं, ऑब्जर्वर को ये मैसेज हो गया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो चाहे वो कुछ भी कर लें उनका कुछ नहीं होना है। ये भी बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो एक सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बन रिपीट हुई है और एक बड़ा मैंडेट मिला है। जब वो मुख्यमंत्री रहे उनकी तमाम योजनाओं को लोगों ने सराहा है, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी क्या अहमियत है पार्टी में, क्या उपयोगिता है, और उनकी अहमियत को भी पार्टी दरकिनार करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में उनको मालूम है कि भाजपा अगर कोई फैसला लेगी तो उनका उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। अब देखना ये होगा कि फैसला होता क्या है, क्योंकि आज शाम तक हो सकता है ऑब्जर्वर तय हो जाए, उसके बाद वो जाएंगे, विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद। बिल्कुल नीरज, आपने सही तो कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये समझते हैं कि आला कमान ने अगर फैसला ले लिया है तो फिर ले लिया है। लेकिन मनोज्ञा, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर किस तरीके की सियासी हलचल है, क्योंकि वहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी चाहने वाले होंगे, कुछ लोग ये भी चाहते होंगे कि प्रहलाद पटेल बन जाए। ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां पर नरेंद्र तोमर को चाहने वाले लोग हैं। क्या चल रहा है राजधानी की फिजा में, भोपाल में?
देखिए सिंधिया का भी नाम इसमें अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा थ्रिलर है जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज को फेल कर सकता है। शुक्र है शुक्रवार है कहते हैं, लेकिन इस समय बड़ी बड़ी बॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा थ्रिल पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में आ रहा है। आज शुक्रवार का दिन होता है जब बड़े बड़े स्टार्स का फैसला हो जाता है, और आज कुछ इसी तरह तीनों मुख्यमंत्रियों के भाग्य का फैसला लगभग निश्चित लग रहा है अगले 24 घंटे के अंदर। ये बड़ी बात इसलिए होगी क्योंकि भोपाल में जो कैंपेन चला था पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें एक टैगलाइन बीजेपी ने बड़ी साफ कर दी थी, एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी। इससे एक बात तो साफ थी कि चेहरा पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। दूसरी बात, सारे केंद्रीय मंत्रियों को जमीन पर उतारकर इस बात की पुष्टि हो गई थी कि अभी भी वो नहीं है, लेकिन अब कौन होगा इसका फैसला अगले 24 घंटे में हो जाना लगभग तय है। बिल्कुल, और अगले 24 घंटे बड़े सांसों को फुलाने वाले होंगे। आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।